हेलो स्टूडेंट वेलकम टू पी स्टडी बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि शाम को सात बजे से हर दिन आप पढ़ते हैं कक्षा नौ के एन गणित तो हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमने कल तो कर लिया था क्वेश्चन नंबर पाँच तक फाइव नंबर तक कर लिया था बहुत से बच्चे जुड़े थे देखे भी थे लेकिन उसमें क्वेश्चन नंबर सिकेंड छूट रहा था कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर फिर से इसको बता दीजिए जो मतलब होमवर्क के लिए छोड़ा गया था तो हम आज इसको फिर से आपके लिए ले आए करवा दे रहे हैं चलो ध्यान से क्वेश्चन आप लोग देखेंगे बहुत से बच्चे जुड़े उनके नाम में बाद में बोलूंगा लेकिन पहले आप क्लास देखो तब <coughs> देखिए क्वेश्चन क्या है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जैसे जैसे पढ़िए वैसे चित्र में देखिए बगल में फिगर बना है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है ये देखो ए बी सी डी चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं क्वाड्रेटरल बोलते हैं ना कमेंट करके बताना सभी ठीक है आगे कहता है जिससे या जिसमें है वो जिसमें ए बी बी सी के बराबर है क्या है जिसमें ए बी बी सी के बराबर है जी पंकज जी बिल्कुल एकदम राइट टाइम क्लास होती है हर दिन मतलब सात बजे से ही होती है किरण मौर्या जी बिल्कुल हाँ इसके आगे जो होगा ना वो नेक्स्ट क्लास में आपका सेवन पॉइंट टू होगा आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए पढ़ाई पे कमेंट पे कम ठीक है और आप लोग देखोगे आपका कमेंट अक्सर रिप्लाई नीचे लिख करके मिल रहा होगा पीले कलर में आ रहा होगा नीचे से है ना चलो तो आगे सवाल पे चलते हैं कह रहा जिसमें ए बी बी सी के बराबर है सवाल में देखो ए बी मतलब ये भुजा जो है ए बी वो बी सी के बराबर है ये बी सी ठीक है अब ध्यान दो इसमें आगे क्या होता है आप लोग समझने की कोशिश करो क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करो आप लोग सवाल थोड़ा सा गलत लिखा था ए डी बी सी के बराबर है बाबू कौन ए डी किसके बराबर है बी सी के बराबर है आगे देखो क्या कहता है कह रहा है कि कोण डी ए वी सी बी ए के बराबर है कौन सा कोण? ध्यान से देखो एंगल डी ए वी डी ए वी फिर से देखो डी ए वी मतलब ये आला त्रिभुज जो है इसमें ये कोण कह रहा है किसके बराबर है सी बी ए ध्यान से देखो सी बी ए मतलब इसके बराबर है एक प्रकार से ये समझ लो ये कोण इस कोण के बराबर है पहले सवाल समझ लोगे तो समझ में आएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा और जो बच्चे कॉन्सेप्ट नहीं सीखे हैं जैसे संगत कोण क्या होता है जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं कांत्र कोण क्या होता है अल्टरनेट एंगल वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो ज़रूर देखें कमेंट करके बताएं उनको मिल जाएगा नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा हाँ आगे देखो करा कि सिद्ध कीजिए इसमें तीन चीज़ें सिद्ध करना है पहले तो ये प्रूव करना है कि त्रिभुज ए बी सी कैंग्रुनस है बी ए सी के यानी त्रिभुज ए बी सी बी ए सी के समांतर है कौन सा ए बी सी तो बच्चा देखो ए बी सी ये त्रिभुज मतलब जो यहाँ से लाइन आई है बीच से और इधर वाला ए बी सी ये समांतर है किसके भाई बी ए सी की तो बच्चा बी ए सी दोनों ही चीज़ लिखा है क्या ए बी सी और बी ए सी है देखो मैं क्वेश्चन एक बार मिला ले रहा हूँ कुछ अलग लिखा है क्या ए बी डी है भाई साहब क्या है डी है देखो क्वेश्चन पता नहीं ये कैसे मतलब मुझे मिल गया ए बी डी अब देखो ए बी डी यानी ये जो त्रिभुज है ऊपर वाला ये किसके कैंगस है नीचे वाले के आप समझने की कोशिश करिए ठीक है. है देखो एक बार आप लोग फिगर फिर से देख लो क्या करें कि ए बी डी हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है बी ए सी की एक बार फिर से देख लो फिगर देखो ए बी डी मतलब ये फिगर जो ऊपर बन रहा है एक बार मैं लाइन दौड़ा देता हूँ देखो ए बी और ये डी ये जहाँ जहाँ हमारी पेन जा रही है ये इस फिगर को कह रहा कि कैंग सिद्ध करो किसके बी ए सी के अब बी ए सी कहाँ है बी ए सी मतलब ये त्रिभुज इधर वाला अब आपको समझ में आया होगा मैंने क्या किया इनको दोबारा से एक बार रिपीट कर दिया डार्क कर दिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के कैंग सिद्ध करना है और ये भी बताना है कि बी डी जो है वो ए सी के बराबर है ये सिद्ध करके दिखाना है ये भुजा बी डी ये ए सी के बराबर है यानी ये लंबी वाली भुजा इसके बराबर है तो सिंपल सी बात है अगर हम दोनों को कैंग सिद्ध कर देंगे तो भुजा तो बराबर ऑटोमेटिक हो जाएगी क्यों क्योंकि जो कैंग ट्रैंगल होते हैं उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा बराबर होती है यानी हिंदी में बोले तो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं तो पहले तो इनको सर्वांगसम सिद्ध कर लो बस इतनी सी बात है बच्चा चलो लिखो त्रिभुज ए बी डी में ए बी डी में इधर साइड से हम क्या करेंगे सोलूशन करेंगे लिखो त्रिभुज ए बी डी में देखो ए बी डी में हमें क्या क्या दिया ध्यान दो ए बी डी में इसमें देखो सबसे पहले जो दिया है क्वेश्चन में कह रहा है ए बी बी सी के बराबर है ए डी बी सी के बराबर है बच्चा लिखो ए डी बराबर बी सी ब्रेक में लिखो दिया है हिंदी में इंग्लिश में लिखो गिवन और चीज दिया है वो का दिया है ये लिखो कोण डी ए बी इक्वल एंगल सी बी ए भाई कौन डी ए बी बराबर कौन सी बी ए कौन बोलो एंगल बोलो मतलब एक है ना आगे देखो और क्या दिया है आगे एक चीज़ ये है बच्चा कि हम ए बी बराबर बी ए कर सकते हैं कौन सा ए बी बराबर बी ए वो काहे कर सकते हो काहे कर सकते हो भाई क्यों इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो ए बी डी है उसमें भी देखो ए बी यूज हो रहा है और जो बी ए सी है उसमें भी ए बी यूज हो रहा दोनों यूज हो रहा है ना बच्चा तो आप इसे लिख सकते हो ए बी बराबर वी ए, ए बी इक्वल बी ए क्यों रीजन लिख दो ब्रेकट में कॉमन है दोनों में क्या है कॉमन है कॉमन की हिंदी बड़ी खतरनाक है इसे उभयनिष्ठ बोलते हैं ठीक है इतना हो गया बस हो गया यार सबसे आसान सवाल था ये क्यों देखो आपको मिल गया ये दोनों भुजा बराबर है पहले से ही दिया है कोण एक बराबर था पहले से ही दिया था एक भुजा मैंने बराबर सिद्ध कर दिया क्योंकि कॉमन थी अब ये क्या हुआ भुजा कोण भुजा इसे लिखोगे अतः त्रिभुज ए वी डी कैंग्रियंस चिन्ह लगा दोगे कैंगस का भाई ये थोड़ा सा अच्छा से बना लो कैंगस का चिन्ह जो है थोड़ा सा मुझसे गंदा बन गया है आ, देखो ये ऐसे ऐसे दो लाइन खींचोगे एक ऐसे ठीक है आ, वी ए सी सिद्ध हो गया कोष्टक में लिख दो एस ए एस से ठीक है एस ए एस रूल से मतलब साइड एंगल साइड रूल से हो गया सिद्ध ठीक है हिंदी में बोलोगे भुजा कोण भुजा नियम से ये दोनों कैंग सिद्ध हो गया ठीक है इसमें का जो सेकंड पार्ट है बच्चा इसको कर लो सेकंड पार्ट कैसे करेंगे ध्यान दो इसको तो मैं यहाँ साइड में नीचे कर सकता हूँ थोड़ी सी जगह दिख रही ना कर सकता हूँ ना चलो देखो इसको नेक्स्ट पेज में करेंगे आप लोग स्क्रीन शॉट ले लो जल्दी से उतार लो मैं अगले पेज में करूँगा जल्दी करिए बहुत जल्दी फास्ट करिए भाई देखो पंकज जी बहुत परेशान है अंकिता सिंह और कौन है आ, मानीस। मनीस मनीष और ये मोहित नैना बिल्कुल आप सभी के कमेंट आ रहे हैं मैं देख पा रहा हूँ लेकिन आप पढ़ाई पर ध्यान दो भाई इसलिए मैं किसी का नाम नहीं बोल पा रहा हूँ अभी मैं आपको नंबर दे दूँगा आप उस पर संपर्क करना चलिए नेक्स्ट पेज हमारा रेडी है दूसरा हमें सिद्ध करना है कि बी डी बराबर ए सी है तो इसे लिख लो इसमें कुछ करना ही नहीं सिकेंड वाला लिखो बी डी इक्वल ए सी क्या लिखो बाई सी पी सी टी सी पी सी टी पढ़ाया था ना भाई सी पी सी टी क्या है लिख लो हाँ सी पी सी टी मतलब जानते हो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं हिंदी में लिख लो भाई इंग्लिश मीडियम वाले समझ गए सी पी सी टी क्या है हिंदी मीडियम वाले लिख लो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं अगर हमारा त्रिभुज ए बी डी ये त्रिभुज बी ए सी मतलब इसके सर्वांगसम है तो इसकी जो भुजा है ये कॉमन है दोनों में इस वजह से क्या हुआ हमारा जो एक कैंगट बन गया हमने अभी प्रूव करके दिखा दिया और अगर दोनों सर्वांगसम हैं तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होती हैं संगत भुजाएँ है, वो बराबर होती हैं इसलिए बराबर हो गया अगला कह रहा कि इसको आ, क्या करना भाई इन दोनों को भी बराबर करना है कहा हाँ बी ए सी इन दोनों को क्या करना है सिद्ध करना है बराबर ना मतलब ए बी डी ए बी डी ये कोण बी और बी ए सी ये कोण भी बराबर करना है हाँ बी ए सी मतलब ये कोण और ये कोण भैया क्या है संगत कोण है यार लिख दो ना इसको भी लिखो तीसरा एंगल ए बी डी इक्वल एंगल बी ए सी ब्रेकट में लिखो क्वेश्चक में लिखो बाई सी पी सी टी बाई सी पी सी टी ये सी पी सी टी क्या है पता है आपको जो मैं इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया था स्टार्टिंग में उसमें पढ़ा दिया हूँ नहीं पढ़े हो तो कमेंट करके बताना अभी नंबर दिखा दूंगा उसमें संपर्क करना आपको वो वीडियो दे दिया जाएगा ये सी पी सी टी क्या है इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा ठीक है हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे कारण ये दोनों बराबर क्यों है लिख लो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कौन बराबर होते हैं सर्वांगशम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं तो बच्चा ये क्लास आपकी एंड हो गई आपके क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं इसमें तीन पार्ट से तीनों हो, हो चुके हैं अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता आप लोग पूरा देखते नहीं हो लास्ट में मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ आप इस पर संपर्क कर सकते हैं देखिए ध्यान दीजिए क्या है ये बच्चा ये नंबर है इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो व्हाट्सअप पर अपना नाम लिख के भेजोगे आप और क्लास का नाम ठीक है नेम क्लास नेम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यानी अपने जिले का नाम आप लिख के भेजोगे आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा अगर आप गर्ल हैं तो आपको गर्ल ग्रुप में जोड़ा जाएगा बॉयज़ हैं तो बॉयज़ ग्रुप में आप ये बात जरूर लिख के भेजिएगा अगर आपका नाम कुछ कन्फ्यूजन वाला है तो आप ज़रूर बताइएगा कि आप मेल हैं या फीमेल हैं ठीक है आज के लिए इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को अगर आप इस क्लास को बड़ी बड़ी देखना चाहते हैं एक एक घंटे आधा आधा घंटे तो आप पी वी आर स्टडी ऐप डाउनलोड करिए क्लास नाइन्थ की मैथ वहाँ जा करके प्रीमियम कोर्स ले लीजिए और फिर आपको ये क्लासें 40 मिनट 50 मिनट और एक एक घंटे की भी मिल जाएंगी आज के लिए बस इतना ही पूरा वीडियो देखने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप इस वीडियो को अपने साथियों में ज़्यादा से फे ज़्यादा शेयर करें अगर आपने इसे ऐप में लिया है तो आप नोट्स बनाइए किसी को भी शेयर नहीं करिए अगर आपने डेमो देखा तो सबको शेयर करिए